से, और कुछ हमारे लोग वहाँ पर थे जिन्होंने आई विटनेस है, उन्होंने जाहिद को पहचाना है जो खुद बाइक से आए थे और पिस्टल से फायर किया था अंधाधुंध, जिसे हमारे एक जवान शहीद हो गए, एक छोटा सा बच्चा भी, बहुत अफसोस उन लोगों को है कि उसमें वो मारे गए। हम लोग इस मिलिटेंट को बाय नेम FIR लगा दिए हैं और इसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लें। बिल्कुल सही है, फैक्चुअली बहुत करेक्ट है ये। 89 से त्राल को मिलिटेंस का एपिसेंटर माना जाता था, त्राल हो चाहे सोपोर हो चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है। और HM चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो HM का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है। और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। बिल्कुल सही है, अभी भी साउथ कश्मीर नंबर ज़्यादा है और हम लोग नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिए। जैसा कि आप देखे थे सोपोर का 2 LAT का लोकल मिलिटेंट मारा गया, लेकिन लोकल मिलिटेंट था लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट को उन्होंने किया था, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन साउथ में भी बाकी है, इनको पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। साउथ में नहीं, हिंटरलैंड में नहीं है, लेकिन जो अपर रीचेज है कोकोना के ऊपर, त्राल के ऊपर, खिरू के ऊपर है, इस एरिया में FT का है प्रेजेंस है और करीब 29 FT है साउथ कश्मीर में। और नीचे आते ही हम लोग हमारे जो सोर्सेस है उसको खबर देंगे, हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ऑपरेशन करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ कश्मीर में चूँकि मई के मंथ में फर्स्ट वीक में हमारे साइड से काफ़ी लॉसेस हुए थे, इसलिए एक परसेप्शन बन गया था कि मिलिटेंट ज़्यादा हावी हो गया। ऐसी बात नहीं है, अभी भी नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स का नंबर कम है, लेकिन फिर भी जो भी कम है उसको हम लोग जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। LT FT जो है हरदम चैलेंज रहता है क्योंकि लोकल मिलिटेंट्स ज़्यादा ट्रेन होता है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जवान, खास करके SOG के लड़के बहुत ट्रेन है और लास्ट 25 ईयर से ही काम कर रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी एक्सपर्टाइज की इसमें हासिल कर लिए, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। मीटर करता है इन्फॉर्मेशन का पिन पॉइंट, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोग इसको ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते पूरा वाइपेटो, अभी उनका नंबर ज़्यादा है। और जो भी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुन के किसी को न्यूट्रलाइज करते हैं, खबर मिलते ही ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उसमें जो मिलिटेंट आता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। और कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं होता है कि हम HM को ही करेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये मैटर है, डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन किसका आ रहा है। सर, साइबर अटैक हुआ है PDD के उस पे, तो उसके बारे में हम लोगों को एप्लीकेशन मिला है कल, हम अपने लीगल एडवाइजर को दिए इसको एग्जामिन करने के लिए, एग्जामिन कर लेगा, आज शाम तक FIR लॉन्च कर लेंगे, कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।